Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Queen. So friends, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक. So friends, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अपना रमजान रूटीन, कि मेरा रमजान का क्या रूटीन रहता है, मैं क्या करती हूँ रमजान में. So friends, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी डिटेल में कि हम लोग रमजान में क्या करते हैं. So friends, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल जुम्मतुल्फिदा है. So मैं अपने जुम्मतुल्फिदा का आपको ड्रेस दिखाती हूँ. वैसे तो हमें हर जुम्मे को, स्पेशली जुम्मे को, वैसे तो हमें हर रोज़ अच्छे कपड़े पहन के रेडी होके नमाज वमाज पढ़ के रेडी होके बैठना चाहिए, बट स्पेशली जुम्मे वाले दिन हमें पहनना चाहिए अच्छे कपड़े, पाक साफ होके नहा धो के हमें ये सब कुछ करना चाहिए. सो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ. अच्छा तो भाई, ये है हमारा आउटफिट. ये है मेरी, ये मेरा दुपट्टा और ये मेरा कुर्ता है, जिस पे बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. ये मेरी टाइट्स है और हम अब अपनी ज्वेलरी पर आते हैं. ये मेरे टॉप्स हैं, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बड़े टॉप्स नहीं पहनती हूँ, सो मैं ये वाले बुंदे पहनूंगी. एंड दीज आर माई रिंग्स और ये है मेरा कड़ा. सो भाई, अभी शहरी में रहता है पूरा एक घंटा और अभी हम सोच रहे हैं हम क्या बनाएं. अजवा भी अभी उठ गई है सहरी के लिए और इस साल के हम दोनों के ड्रेसेस भी बिल्कुल सेम है, जुम्मतुल्फिदा के भी, ईद के भी. सो अभी अजवा, बस हम दोनों के थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है कि अजवा का ब्लैक है और मेरा ब्लू है, बाकी सब कुछ सेम है. सो अजवा भी उठ गई है. अजवा, सो अभी अजवा भी उठ गई है. सो फ्रेंड्स, अब आप हमारा इस ईद पर हमारा एक ब्लॉग आएगा, आप लोगों को भी देखना है ईद ब्लॉग. और अगर वो ईद ब्लॉग आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा. सो फ्रेंड्स, अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं, ऐसे ये रेडी है ना. अभी हम दोनों सोच रहे हैं क्या खाएंगे. अभी हम सहरी में अजवा भी रोज़ा रखेगी, रोजा रखेगी पर पेट में रखेगी. तो अभी हम सोच रहे हैं क्या खाएं. सो अभी हम लोग आपको एक घंटे बाद सहरी में मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी सहरी का टाइम हो गया है तो चलें हम अपनी अफ्तारी बनाने, सहरी बनाने चलते हैं. तो अभी हम अपना हर्शीज मिल्क बना रहे हैं. मैंने दूध इसमें डालूंगी और अब मैं डालूंगी अपनी हर्शीज का सिरप. ये आ गई है हमारी सहरी और अब हम सहरी करते हैं. फ्रेंड्स, अब हम सहरी कर रहे हैं. अभी मैं ये एग खा रही हूँ, फटा हुआ अंडा जिसे कहते हैं, और मेरा हर्शीज का मिल्क भी. बट मैं अक्सर जो रात में जो खाना होता है मैं वहीं खाती हूँ सहरी में. बट आज मैं एग का अंडा खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है. सो अब मैं आपसे सहरी की बात करती हूँ. अच्छा तो भाई, अब हमने सहरी भी कर ली है और मैंने फजर की नमाज भी पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं सोने. और अजमा ने भी सहरी कर ली है. अजमा, सहरी कर ली आपने? इधर आइए. अजमा बिल्कुल सेट होके बैठी है सोने वाला मूड में. सो अब हम आपको अपने नेक्स्ट शॉट में मिलते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो मैं उठ गई हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ. मैंने नमाज भी पढ़ ली थी तो मैं आपको रेडी, जब मैं हो रही थी तो मैं दिखाना भूल गई थी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. सो अभी मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने नमाज भी पढ़ ली थी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम बनाने चलते हैं जूस. तो हम बना रहे हैं रू अफ़ज़ा. Thank you.
अभी मुझे टेबल सेट करनी है, तो आप लोगों को भी मैं टेबल दिखाऊंगी कि मैंने कैसे टेबल सेट की है। और अगर आप लोगों को मेरी सेट की टेबल अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी मैं टेबल लगाने लगी हूँ। टेबल लगा दी है, खजूरें, चटनी, केचप सब है। अब जब बाकी की अफ्तारी बन जाएगी फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो अभी हमारे आलू के पकोड़े बन रहे हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने ओरियो शेक बनाने का सोचा है, तो मैंने ग्लास लिया है और कुछ 5 ओरियोज लिए हैं। अब मैंने ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो भाई अब हमने ओरियो डाल दिए हैं, 5 ओरियोज जो मैंने लिए थे मैंने उसे तोड़ के डाला है इसके अंदर। और अभी मैं इसके अंदर मिल्क डाल रही हूँ। सो ये मिल्क मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ पूरा। अच्छा तो भाई अब हमने अपने ओरियो जो 5 ओरियो ली थे मैंने वो और इसके अंदर मिल्क डाला, तो ये हमने उसको कर लिया है ग्राइंड। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। सो अभी हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। इसके अंदर हमने भी 1 teaspoon एंड 1/2 teaspoon डाल दिए शुगर। सो मैंने डाल दिया। अभी मैं इसके अंदर हर्शी सिरप थोड़ा सा पोर करूँगी ग्लास में कॉर्नर्स पे, तो आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर हर्शीज का सिरप पोर कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने अभी ग्राइंड किया है। तो मैंने अपना जो पोर किया था मैंने उस पर, तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि जो उसके मैंने कॉर्नर्स पे जो मैंने हर्शीज़ का मिल्क लगाया था, हर्शीज़ सिरप लगाया था, ताकि वो थोड़ा जम जाए। तो वो जम जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर मिल्क को जो मैंने किया उसको पोर करूँगी। जो मेरा डला था जो मैंने पोर किया था वो पोर हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा है जिसको मैं थोड़ा सा राउंड करूँगी ऐसे ताकि वो और हो जाए सही से। अब उसके बाद फिर मैं उसके अंदर मिल्क डालूँगी। शेक बनाया था वो मेरा ओरियो शेक बन गया है और बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा। और मैं फिर हमारा रोज़ा भी खुल गया है और मैंने आपको अपने सही से लेके अफ्तारी तक का पूरा रमज़ान रूटीन बताया और मैंने क्या क्या किया वो मैंने आप लोगों को बताया और कैसे किया। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। चलो अल्लाह हाफ़िज़।